सूरज मशीन से ही निकला है ना, आते साथ ही चाय। ये सही है, काम करो तो भी तंस, ना करो तो भी तंस। नहीं, नहीं चूड़ियां सोने की हैं। जाहिर सी बात है सोने की है, क्यों पीतल की लग रही है क्या? कहां से आई है? छोड़े ना, ये बताएं कैसी है? अच्छी है, लेकिन आई कहां से? या सिर्फ वो जो मेरी चूड़ियां थी ना, वो बहुत बुरे डिजाइन की थी, मेरी कलाइयों में जरा अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने वो वाली बेचकर ना ये ले ली है। अच्छी है ना? तुमने हमारी खानदानी चूड़ियां बेच के ये चूड़ियां ली हैं। अम्मी को पता चलेगा कितनी नाराज होंगी वो। अरे क्यों नाराज होंगी वो, पहनी तो मैंने है ना। अलिशबा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक बार कम से कम पूछ तो लेती तुम। किसके साथ गई थी? फायजा के साथ। फायजा के साथ? फिर फायजा? कितनी अच्छी है वो यासिर, अपने घर के सारे काम छोड़कर ना मेरे साथ गई थी सोनार के पास। अलिशबा तुम बहुत खुदसर होती जा रही हो, मुझे जरा भी अहमियत नहीं देती हो। अब इसमें खुद सरी वाली क्या बात है, आपको मेरी खुशी का ना जरा ख्याल है? तुम्हें भी तो सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, और किसका सोचती हो तुम? अम्मी को क्या कहोगी तुम, कहां गई उनकी चूड़ियां? मैं उनको कहूंगी कि मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं था, ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। ये दो चूड़ियां, प्लीज टेल मी कि तुमने वो दो चूड़ियां ही बेची हैं। प्लीज मुझे बता दो कि दो थी वो? चार ही बेची हैं। बाकी पैसों का क्या किया तुमने? बाकी पैसे? कौन से बाकी पैसे, सिर्फ ये दो ही आई हैं। तुमने दो चूड़ियां खरीदी हैं उन चार चूड़ियों के बदले? यासिर वो चूड़ियां कितने पुराने डिजाइन की थी, उनको बेचकर ये लेटेस्ट डिजाइन लिया, यही आदत। लेटेस्ट डिजाइन नहीं है, बेवकूफ बनाए, पागल बनाए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।